नेक्स्ट हेडिंग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन स्टेट वायर। ठीक है, तो व्हेन वे लेट ए वायर ऑफ लेंथ ए इज हैंग फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, ये आपका रिजिड सपोर्ट है। ठीक है, इस रिजिड सपोर्ट से एक वायर जिसकी लेंथ एल है इसको हैंग किया जा रहा है। ठीक है, और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना ले रहे हैं, ए ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं ए ना। तो व्हेन वे अप्लाई फोर्स ऑन लोअर एंड ऑफ द वायर देन इट्स लेंथ इंक्रीजेड, इसकी लेंथ क्या होगी बढ़ेगी ना। ठीक है, इसकी लेंथ बढ़ेगी, तो लेंथ मानते हैं एल से कितना हो गया एल प्लस एक्स हो गया। देखिए ये एल लेंथ था, आपने इस पर फोर्स लगाया तो अब लेंथ कितना हो गया एक्स, इसमें और बढ़ गया एक्स, क्या हो गया बढ़ गया एल से एल प्लस एक्स हो गया ना। तो जब इसकी लेंथ बढ़ेगा तो इसमें जो स्प्रिंग्स है हमने इलास्टिसिटी में एक्सप्लेन किया था कि एटम्स आर मॉलिक्यूल्स ऑफ मटेरियल कैन बी कंसीडर्ड टू बी कनेक्टेड बाय स्प्रिंग, बिहेवियर ऑफ इंटर एटॉमिक फोर्स इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स इनसाइड अ सॉलिड स्टेट दे कैन बी कंसीडर्ड टू बी कनेक्टेड बाय स्प्रिंग, स्प्रिंग से कनेक्ट मान सकते हैं ना। ठीक है, जब स्प्रिंग को आप खींचते हैं तो स्प्रिंग क्या करती है आपको अंदर को खींचती है ना, जब स्प्रिंग को आप कंप्रेस करते हैं तो स्प्रिंग क्या करती है आपको बाहर को पुश करती है ना। तो जैसे वायर को खींच रहे हैं इसमें स्प्रिंग को खींच रहे हैं, इसमें जो छोटे छोटे स्प्रिंग है जो दो अटम के बीच उसको खींच रहे हैं ना। ठीक है, तो जब आप नीचे को खींच रहे हैं तो स्प्रिंग आपको क्या कर रहे हैं ऊपर को खींच रहे हैं ना। तीस ऊपर जो अंदर जो मटेरियल के अंदर जो फोर्स लग रहा है जो कि स्प्रिंग जनरेट कर रहा है वो क्या कहलाता है रिस्टोरिंग फोर्स कहलाता है, क्या कहलाता है रिस्टोरिंग फोर्स। तो आप इसको जब खींच रहे हैं तो इस रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट आपको क्या करना पड़ रहा है वर्क करना पड़ रहा है, क्या करना पड़ रहा है वर्क ना। ठीक है, तो वर्क में जो आप मानते हैं कि आपने इसको इस अपोजिंग फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट आपने फोर्स करके एल पोजिशन दे दिया, क्या दे दिया एक्स इक्वल जीरो से एक्स इक्वल एल तक इसको स्ट्रेस कर दिया ना। तो इस प्रोसेस में आपने क्या क्या वर्क किया, क्योंकि स्प्रिंग जैसे आप इस पर नीचे पर फोर्स लगाएगा स्प्रिंग क्या करेगी स्ट्रेस होगी और स्प्रिंग आपको ऊपर को खींचेगी ना। जब आपको ऊपर को खींचेगी ठीक है तो आपको इस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा है। तो वर्क में जो एनर्जी स्पेंड होगी कहाँ जाएगी एनर्जी का एनर्जी क्रिएटेड का एनर्जी डिस्ट्रॉयड एक चेंज इस प्रॉब्लम अनुपात टू एंड फॉर्म ना। ठीक है, तो जब आप वर्क करिएगा जो आप एनर्जी खर्च करिएगा वो कहीं ना कहीं जाकर के स्टोर हो जाएगी, कहाँ स्टोर हो जाएगी एनर्जी स्पेंड इन डूइंग वर्क गिव स्टेज पोजिशन टू द वायर, एनर्जी स्पेंड इन दिस वर्क गिव स्टेज पोजिशन टू द वायर ना। आप स्टेज करने में जो वर्क किए हैं उसमें जो भी एनर्जी खर्च हुई है वो क्या करें इसको एक स्टेज पोजिशन दे देते हैं ना। अब जैसे वायर को छोड़िएगा देन दिस वायर हैज कैपेसिटी टू डू वर्क बाय सेम अमाउंट आई गिव आई गिव डन। ठीक है ना, तो आपने जितना स्टेज करने में जितना वर्क किया है जितनी एनर्जी खर्च किया है उतनी एनर्जी इस वायर के पास है, जैसे वायर को छोड़िएगा इतना उतना ही वर्क ये कर सकती है ना, ये वायर उतना ही वर्क कर सकता है। तो एनर्जी पोजिशन बाय बॉडी पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन क्या कहलाता है पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है मतलब एनर्जी पोजेस बाय बॉडी ड्यू टू पोजीशन ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो आपने एक इसको एक स्टेज पोजीशन दे दिया है, तो दिस स्टेज पोजीशन ऑफ वायर हैव कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है ना, तो ये जो इसके पास कैपेसिटी है वर्क करने को चाहिए उसको निकालना, वही हमारी क्या हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। अच्छा, दिस वर्क इज इक्वल टू वर्क डन बाय यू इन गिविंग स्टेज पोजीशन, ये वर्क किसके बराबर होगा जितना वर्क आपने किया है, कहने मतलब आपने इसको स्टेज करने में कितना वर्क किया निकाल लीजिए वही आपकी क्या हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी ना। ठीक, अच्छा यहाँ पर जो फोर्स जनरेट हो रहा है वो क्या उससे कैसा फोर्स है इलास्टिक फोर्स है, कैसा फोर्स है इलास्टिक फोर्स इलास्टिक फील्ड ना। तो इसलिए ये एनर्जी क्या कहलाएगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी, क्या कहलाएगी इलास्टिक, जब इलास्टिक फील्ड होगा इलास्टिक फोर्स होगा तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी ना। ठीक है, जैसा फील्ड होता है उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम हो जाता है ना, जैसे ग्रेविटेशन फील्ड होती थी आए ग्रेविटेशन के चैप्टर में हमने ग्रेविटेशन फील्ड पढ़ा था वहाँ पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी थी ना। ठीक है, इससे अच्छा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेटिक फोर्स है तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी ना। यहाँ पर इलास्टिक फोर्स है इलास्टिक फील्ड है इसलिए ये पोटेंशियल एनर्जी क्या कहलाएगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ना, इसकी वैल्यू आपको क्या करना कैलकुलेट करना। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू किसके बराबर बताओ वर्क डन बाय
एल वायर इंक्रीजेस बाय लेंथ एक्स, वायर का एक्सेलेंट क्या कैपिटल लेंथ है, इस पर आपने एक फोर्स लगा दिया, वायर की लेंथ एक्स से बढ़ गई, वायर की लेंथ क्या हो गई, एक्स से बढ़ गई ना, ठीक है। अब देखें एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, इसको फर्दर एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देते हैं, डीएक्स, डीएक्स डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, जब डीएक्स डिस्प्लेसमेंट दीजिएगा, ठीक है, तो जैसे इस डिस्प्लेसमेंट के लिए डीएक्स इनफाइनाइटली स्मॉल, डीएक्स क्या है, इनफाइनाइटली स्मॉल ना, तो इसमें जो फोर्स है हम एक्स एल प्लस एफ डिस्टेंस पर जो फोर्स होगा उसके बराबर मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फोर्स की वैल्यू आपकी चेंज होगी आने की लेंथ है ना, जितने ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतने ज्यादा लेंथ बढ़ेगी, हैं, आपने एल से एल प्लस एक्स लेंथ इसको दिया जिस पर एक फोर्स लगाया, और ज्यादा लेंथ देना चाहते हैं तो और फोर्स लगाना पड़ेगा ना, तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फोर्स का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा ना, ठीक है। तो हम एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स की वैल्यू वही ले लेते हैं जो ए प्लस एक्स होगा, क्योंकि इनफाइनिटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए बहुत छोटा सा फोर्स लगना पड़ेगा ना, तो दिस फोर्स कैन बी कंसीडर्ड टू बी इक्वल टू फोर्स एट लेंथ ए प्लस एक्स ना, तो कांस्टेंट फोर्स हो जाएगा, तो व्हाट डन बाय कांस्टेंट फोर्स क्या होता है, फोर्स एंड योर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फोर्स ना, तो इनफाइनिटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के ऊपर निकाल लेते हैं, ठीक है। अब जो तो दिस स्ट्रेस लेंथ कैन बी कंसीडर्ड टू बी this stress length can be broken into small stress length ds, into small stress length ds, जैसे ds लेते हैं, ds लेते हैं होगा, ds लेते हैं होगा, ds लेते हैं होगा ना, ठीक, तो सभी ds के corresponding आपने कितना वर्क किया है ऐसे निकाल करके जोड़ लीजिए, ऐड कर लीजिए, तो जो ऐड जो आपको एडिशन मिलेगा वो क्या हो जाएगा, नेक कोऑर्डिनेट बन जाएगा ना, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ कंटीन्यूअस एडिशन क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन कहलाता है, क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन ना, तो इसलिए क्या करते हैं कि इस वायर को हम x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l तक इंटीग्रेट कर देंगे ना, पहले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के ऊपर निकाल लेते हैं, फिर इसको x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l तक इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो वर्क डन इन स्ट्रेसिंग वायर थ्रू लेंथ ds, वर्क डन, वर्क डन इन स्ट्रेसिंग वायर, वर्क डन इन स्ट्रेसिंग, इन स्ट्रेसिंग वायर थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस, थ्रू अ स्मॉल लेंथ, लेंथ ds, इनफाइनिटली स्मॉल लेंथ है, क्योंकि जब बहुत छोटा रहेगा तब ये फोर्स आपका कांस्टेंट रहेगा, अदरवाइज चेंज हो जाएगा, इसलिए पाथ इनफाइनाइट, थोड़ा स्मॉल, थोड़ा इनफाइनाइटली स्मॉल, इनफाइनाइटली, इनफाइनाइटली स्मॉल लेंथ ds, स्मॉल लेंथ ds, तो dw कितना हो जाएगा, dw इज इक्वल टू स्केलर कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, स्केलर कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ना, तो ये कितना हो जाएगा, a डॉट b की वैल्यू क्या होती है, ए बी कॉस थीटा होता है, तो क्या हो जाएगा, एफ डी एक्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, एफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डी एक्स बेटर डी एक्स एंड एंगल बिटवीन देम, तो देखिए फोर्स भी नीचे है डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, तो बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो एंगल, तो एंगल बिटवीन दीज टू बेटर क्या हो जाएगा, एफ डी एक्स के बीच एंगल क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, डी एक्स के नीचे है ना, तो एंगल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कॉस की वैल्यू क्या होती है, वन होती है, क्या होती है, वन, तो क्या हो जाएगा, एफ डी एक्स इंटू वन, तो दिस इज द वर्क डन बाय द एजेंट इन स्ट्रेचिंग वायर थ्रू इनफाइनाइटली स्मॉल लेंथ ds, है ना, ठीक है। अब चलिए एफ की वैल्यू निकालेंगे, तो एफ की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसमें डिफॉर्मिंग फोर्स गिव्स, डिफॉर्मिंग फोर्स चेंज इन लेंथ, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या कर रहा है, लेंथ चेंज कर रहा है ना, जब लेंथ चेंज होता है तब आप स्ट्रेस को क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड स्ट्रेस कहते हैं, स्ट्रेन को क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड स्ट्रेन कहते हैं, अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या कहते हैं, यंग्स मॉडुलस कहते हैं, क्या कहते हैं, यंग्स मॉडुलस ना, तो यहां क्या कहते हैं, मटेरियल का यंग मॉडुलस यूज करते हैं, क्या कहते हैं, मटेरियल का, मटेरियल का यंग्स मॉडुलस यूज करते हैं, तो यंग्स मॉडुलस किसके बराबर होता है, बताओ यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल कितना होता है, यंग्स मॉडुलस, यंग मॉडुलस होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ना, लॉन्गिट्यूडनल
लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस स्मार्ट
length of dx, half length dx na. So find work corresponding to each smart displacement and sum them. So process of condensation kya karta hai, integration karta hai na. तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट कर देते हैं x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l पर ना. तो नेट वर्क डन, नेट वर्क डन, नेट वर्क डन इन स्ट्रेचिंग वायर, इन स्ट्रेचिंग वायर, इन स्ट्रेचिंग वायर फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू l ना. तो w इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू l और dw, ठीक है. तो w इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू l, dw वैल्यू क्या है, dw वैल्यू है आपका y इनटू a f इनटू l f इनटू dl, ठीक है. तो w इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू l. अच्छा इसमें y क्या है, y का यंग मॉडुलस है ना. तो ये मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, यंग मॉडुलस क्या होता है, एक मॉडुलस इज कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये कांस्टेंट होगा ना. और ये क्या है, ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है. तो किसी गिवन वायर के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट होगा ना, ठीक है. और ये कहते हैं एक एल आ रही है, तो यहाँ भी एक
एल यहां पर जैसे वैसे लिख दिया मैंने, एक एल से हमने मल्टीप्लाई, एक एल से डिवाइड कर दिया, एक एल से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, क्यों डिवाइड कर दिया क्योंकि एल स्क्वायर है, यहां एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जब हमने डिवाइड किया इसको बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या करें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और यहां क्या होगा एरिया बस दिया, एरिया आप लिख दीजिए, एरिया हम लिख दीजिए, तो देखिए अब ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ये आपका रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द इनिशियल लेंथ बन जाएगा, रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द इनिशियल लेंथ होल स्क्वायर बन जाएगा ना, और रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द इनिशियल लेंथ क्या कहलाता है स्टेन कहलाता है, क्या कहलाता है स्टेन ना, इस तरह से ये आपका स्टेन में बदल जाएगा। और ये क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ हो गया, मेरे कट की चीज क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ ना, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ क्या हो जाएगा बताओ, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ वॉल्यूम हो जाएगा, क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वायर, आपने जो वर्क किया इसके बराबर ये वैल्यू होगी, ठीक। तो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी स्पेंड इन डूइंग वर्क बाय द एजेंट इज स्टोर्ड एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ना, टी ये डब्ल्यू भी क्या हो जाएगा आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आप स्टेट कर सकते हो जाएगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आप स्टेट कर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आप स्टेशनरी, तो स्टेशनरी की जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी स्टेशनरी, हाँ ये छोड़ क्या जाएगा डबल, ये छोड़ क्या जाएगा डबल, ठीक है ना। अब ऐसे बदलने के लिए चीजें छोड़ तो डबल बोले कितना वन बाय टू इनटू वाई इनटू इनटू स्टेन इनटू स्टेन स्क्वायर इनटू वॉल्यूम वी, ठीक है। तो ये आपका टोटल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वायर है, टोटल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वायर। अब क्या करते हैं वॉल्यूम से वो सेट डिवाइड करते हैं, वॉल्यूम से वो सेट क्या करें डिवाइड करते हैं, तो वॉल्यूम से जब डिवाइड करिएगा तो क्या मिलेगा यू अपॉन वी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय 2 इनटू वाई इनटू स्टेन स्क्वायर इनटू स्टेन स्क्वायर ना, ये क्या है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर निर्भर होंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर निर्भर, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर निर्भर, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर निर्भर, पर निर्भर, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर निर्भर वी यू इक्वल क्या हो जाएगा 1 बाय 2 इनटू वाई इनटू स्टेन स्क्वायर, ठीक है ये ना, तो ये आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर निर्भर, अब इस चीज को जो है हम जैसे यंग मॉडुलस क्या होता है स्टेस अपॉन स्टेन होता है, यंग मॉडुलस क्या होता है बताओ स्टेस अपॉन स्टेन ना, स्टेस अपॉन स्टेन पे टर्म में भी इसको ले सकते हैं, तो ये आपका जनरली ये मॉडल्स दिया जाता है तो इस फॉर्म में आप नंबर रखें, लेकिन इसका दूसरा फॉर्म हम लिख दे रहे हैं, जैसे तो ये मॉडल्स ले सकते हैं स्टेस अपॉन स्केल, स्टेस अपॉन इंटू स्केल स्क्वायर, एक और आपका लेस हो जाएगा, एक और क्या होगा लेस हो जाएगा स्टेन से स्टेन डिवाइड हो जाएगा, तो ये छोटे कितना हो गया 1/2 स्टेस इंटू स्केल, स्टेस इंटू स्केल, स्टेस इंटू स्केल, ठीक है। तो आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर वॉल्यूम के लिए क्वेश्चन बन, ठीक है। चलिए एक बार फिर समझ लीजिए, इसमें आपने क्या किया वर्किंग में ये डेरिवेशन के लिए क्या वर्किंग किया एक बार फिर से क्लियर कर दे, लेंथ वायर आप लेंथ एल, ठीक है, एरिया एल इज स्ट्रेट फ्रॉम रिजिड सपोर्ट,
ठीक है, वी अप्लाई फोर्स ऑन लोअर एंड ऑफ द वायर, व्हेन वी अप्लाई डाउनवर्ड फोर्स ऑन द लोअर एंड ऑफ द वायर देन लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीजेस, लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीजेस, तो लेट इंक्रीजिंग लेंथ इज एक्स, इंक्रीजिंग लेंथ क्या है यह एक्स है, इनिशियल लेंथ हमने यह लिया है, अब इसकी लेंथ क्या होगी एल प्लस एफ ना, ठीक है, अब कितने फोर्स लगाने पर यह कोइल हो रही है, एफ फोर्स लगाने पर हो रहा है, कितना फोर्स लगाने पर हो रहा है एफ फोर्स, ठीक है, क्योंकि फोर्स समान बढ़ाते जाएगा तो क्या होगा लेंथ इंक्रीज लेंथ बढ़ता जाएगा, लेकिन एफ फोर्स पर हमने क्या माना है इंक्रीज लेंथ है एफ से, ठीक है, अब देखिए इसको एक इनफाइनाइटली इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट और देते हैं, माने वायर इज फर्दर स्ट्रेच बाय इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएस ना, यस तब तो आपने स्ट्रेच किया था, उसके बाद फर्दर में एक्सटेंशन दे रहे हैं, कितने दे रहे हैं बताओ एस डी एस और दे देते हैं, तो इस डीएस एक्सटेंशन में हमने वर्क निकाल लिया, डीएस एक्सटेंशन में है तो इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इस एक्सटेंशन के लिए हम फोर्स वही मान लेंगे जो एस पर है, जो एस पर है ना, क्योंकि फोर्स की वैल्यू हमारी एक्स के इंक्रीज करने के साथ बढ़ रही है, लेकिन बहुत छोटा अगर एक्स लीजिएगा बहुत छोटा स्ट्रेच करिएगा एक्सटेंशन करिएगा तो फोर्स की वैल्यू आप नियर अबाउट कॉन्स्टेंट मान सकते हैं, जो ए पर वही मान सकते हैं, ठीक है, अच्छा कांस्टेंट फोर्स के लिए जो वर्क डन होता है आप डी डब्ल्यू फील्ड क्या होता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है ना, ठीक है, तो हमने डी डब्ल्यू फील्ड ई एफ डॉट डी एस कर दिया, ई एफ डॉट डी एस फील्ड क्या होगी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डी एस इनटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, ई एफ और डी एस बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, ई एफ पर डाउनवर्ड लगा रहे हैं डी एस भी डाउनवर्ड है, इसलिए क्या होगा इनके बीच का जीरो गया और पास जीरो के बाद ओके तो आपने लिख दिया, ठीक है, तो दिस इज द वर्ड है इन स्ट्रेचिंग वायर बाय इनफाइनाइटली स्मार्ट डिस्प्लेसमेंट डीएस, ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसमें ईएफ अननोन क्वांटिटी ईएफ क्या है अननोन है, इसके वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा एक्स एक्सटेंशन पर माने एल प्लस एक लेंथ पर इस पर कितना फोर्स लग रहा है, एक्स एक्सटेंशन के लिए आपको कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है इसे निकालना पड़ेगा, तो देखिए फोर्स के अप्लाई करने पर क्या हो रहा है, इधर देखो फोर्स के अप्लाई करने पे क्या हो रहा है, फोर्स के अप्लाई करने पर जो है लेंथ बढ़ रहा है, तो जब हम डिपार्टमेंट फोर्स के अप्लाई करने पर लेंथ बढ़ता है तब स्ट्रेस को हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहते हैं, और स्ट्रेन पर क्या करते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं, है ना, ठीक है, तो एक्स मॉडुलस करस्पॉन्डिंग जो मॉडुलस मॉडुली होगा मॉडुलस होगा वही एक्स मॉडुलस कहलाएगा, क्या कहलाएगा एक्स मॉडुलस, ना एक्स मॉडुलस इज इक्वल टू क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, कितना ना, ठीक है, तो y इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कर दिया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होगा रेशियो ऑफ फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ है, तो चेंज इन लेंथ आपका s है और इनिशियल लेंथ l है s / l कर दिया, ठीक है, अब यहां से y को f / l / x हो गया ना, अब ये की वैल्यू हमने निकाल लिया f / l छोड़ के हो गया y * a, तो देखिए s यहां पर डिवाइड है इधर से मल्टीप्लाई हो गया l मल्टीप्लाई जरा से कर दीजिए f इक्वल टू क्या होगा y a y l f है ना, आप देखिए f की ये वैल्यू इसमें ला कर दे dw में, तो dw में रख दिया तो क्या आ गया y a / l f है ना, अब नेक्स्ट वर्ड है इन स्ट्रेचिंग वायर फ्रॉम, अच्छा तो दिस एक्सटेंशन इन दिस एक्सटेंशन या दिस इंक्रीज इन लेंथ कैन बी ब्रोकन इनटू मेनी इनफाइनाइट मेनी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएस, स्मॉल एक्सटेंशन डीएस ना, और फाइंड वर्ड डन करस्पॉन्डिंग टू ईच स्मॉल डिस्प्लेसमेंट या ईच एक्सटेंशन डीएस एंड सम देयर फ्रॉम 0 टू एल एंड देन यू गेट नेट वर्ड डन इन स्ट्रेचिंग द वायर फ्रॉम एल टू एल प्लस एल, है ना, तो प्रोसेस ऑफ पार्टिकल एडिशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, तो वी कैन से दैट इंटीग्रेट दिस वर्क फ्रॉम 0 टू एल, इंटीग्रेट दिस वर्क फ्रॉम 0 टू एल, जीरो से एल तक इस वर्क को क्या करते हैं इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेट हमने कर दिया तो नेट वर्क आपको मिल गया, नेट वर्क इन स्ट्रेचिंग वायर फ्रॉम एल टू 0 टू एल, दिस इज इस इंटीग्रेशन की डॉट लिमिट 0 हो जाएगी अपर लिमिट एल हो जाएगी ना डी डब्ल्यू, ठीक है, अब ये डी डब्ल्यू वैल्यू आपने लग दिया, इसमें देखिए वाई ए वाई एल क्या है ब्रैकेट की जो चीज़ है ये कांस्टेंट है क्योंकि वाई क्या है एक्स मॉडुलस,
which is characteristic property of matter. तो कोई भी मैटर होगा, कोई भी वायर होगा, तो इसके लिए वायर कांस्टेंट होगा। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ये भी कांस्टेंट होगा किसी गिवन वायर के लिए, एल इससे लेंथ ये भी कांस्टेंट होगा ना। तो ये मूल तरीके की चीज हमारी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट इज फंक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन, है ना। दिस प्रॉपर्टी से इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से ये कांस्टेंट क्वांटिटी आपके पास होगा, वही वही है ना, मैंने पूरा ब्रैकेट आपको बता दिया। इधर देखो हां, फिर ये आगे आगे से फार्मूला लगा दिया, इंटीग्रेशन एक ये स्पष्ट है, इसका फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया। इंटीग्रेशन ऑफ x रेट फॉर n dx क्या होता है, x रेट फॉर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 ना, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 हो गया, जीरो के लो दे हैं, ले आप लोअर लिमिट अपर लिमिट हैं, तो 2 हमने बाहर कर दिया। तो अपर लिमिट k स्क्वायर हो गई, लोअर लिमिट k स्क्वायर हो गई, k स्क्वायर माने j स्क्वायर, तो w = ya ya अपॉन 2a y upon 2a ये ना l स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अब इसमें जो है हम l से डिवाइड करते हैं, l से मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि l by l होल स्क्वायर बन जाएगा ना, तो स्मॉल l by l क्या हो जा रहा है, यहाँ स्टेंट बन जा रहा है ना, हमारा क्वेश्चन किससे बदल जाएगा, स्टेंट में बदल जाएगा हाँ। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ से l से डिवाइड कर दिया और इसको बैलेंस करने के लिए l से मल्टीप्लाई कर दिया, इस चैप्टर का आपके पेपर में आ सकता है, पूछा जा सकता है।